अभी कुछ लोग तकलीफ में आ गए कोरोना की वजह से, स्कूल को ऑफिस को छुट्टी है तो हम तकलीफ में आ गए, बोर हो रहे। अब असल तकलीफ उनको पूछ जिनके घर में पहले मेहमान आके बैठे और कोरोना की वजह से वही टेर गए। हाँ नहीं तो अभी कुछ लोगों को अपना ऑफिस याद आ रहा है, पहले तो ऑफिस से छुट्टी मिलती नहीं थी तो छुट्टी मांग मांग के बॉस को गांजा कर दिया, और अभी छुट्टी मिल गई कोरोना की वजह से तो अभी सड़ा हुआ मुंह लेके अपना घर में बैठे वर्क फ्रॉम होम करने। बीवी भी बोल रही उनको अबे मास्क पहन ले, बोलता क्यों मैं क्यों पहनू मैं तो घर में हूँ, बोलती मास्क पहन ले तेरा सड़ा हुआ मुंह देख के मैं परेशान हो गई हूँ बोर हो गई हूँ मास्क पहन ले। तो अभी कुछ अजीब प्राणी जो है दूसरे प्राणी आते है, अभी मोदी जी ने थाली बजाने को बोला, दिया जलाने को बोला, अभी प्रसाद दे रही है ना पुलिस फ्री में, तो वो लेने जाते हैं कुछ लोग और इतना प्रसाद लेके आते बेटा नहीं जाता उनसे घर में, फिर भी बाहर निकलते। तीसरे जो अजीब प्राणी है मनुष्य, अभी उनको अभी खाना अलग अलग वेराइटीज में चाहिए, तो आज अगर उनको मिला फ्राइड राइस, उनको चाहिए ढोकला, तो अभी उनको ढोकला मिला तो अभी नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा मैं तो फ्राइड राइस खाऊंगा राय दो। और जो चौथे प्राणी होते है उनका तो इंटरनेट ही नहीं चलता भाई साहब, एक कोरोना अलग और इनका इंटरनेट अलग, मतलब इंटरनेट नहीं चला तो अभी इनका व्हाट्सएप नहीं चलेगा, फेसबुक नहीं चलेगा, यूट्यूब नहीं चलेगा, और सबसे जो मेन चीज है टिकटॉक कैसे चलेगा भाई साहब, टिकटॉक कैसे चलेगा। तो ये जो है आज बीमारी है। और तो दोस्तों जो पांचवे प्राणी होते हैं उनको तो अलग ही बीमारी होती है, वो है शॉपिंग की बीमारी जो है इनको लग चुकी है, और इनको कोरोना की वजह से शॉपिंग पे जाने को नहीं मिल रहा, तो अभी वो अपना मोबाइल खोल के अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देखेंगे ऐसे ऐसे अलग अलग वैरायटीज के कपड़े और खुश हो जाएंगे भाई साहब। अबे साले माफ करना गुस्से में आवा निकल जाता हूँ। अरे असली तकलीफ उनको पूछो जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को दो वक्त की रोटी नहीं है, और तुमको अलग अलग वैरायटीज में खाना चाहिए, डोसा चाहिए, इडली चाहिए, जो मिल रहा उसमें खुश नहीं रह रहे। कल जाता हूँ, मेरा खून खोल रहा है अभी। अबे घर में बैठो प्लीज, स्टे होम स्टे सेफ। कुछ लोग तो 80-80 किलोमीटर मतलब 800 किलोमीटर जा रहे पैदल अपने घर में, उनके लिए खाने के लिए नहीं मिल रहा उनको तो। प्लीज यार दूसरों की तकलीफें समझो और घर में बैठो यार, ऐसी मतलब भीड़ में मत जाओ प्लीज दोस्तों। इतना ही जो है मैसेज आपके पास पहुंचाने का इतना ही था मेरा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइज मजाक तो एक तरफ है पर ये सीरियस मैसेज है, आप जितना शेयर कर सके इस मैसेज को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मैसेज बहुत जनों को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। यानी राज।